शंभुनाथ चौहान का, जिस अमरनाथ का या प्रीति का, किसी का भी एक यूट्यूबर ऐसा खड़ा कर देना, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, मैं दावा कर रहा हूँ, एक चैनल मुझे ऐसा दिखाना घूमेगी तो कोई इस गली में, कोई उस गली में, कोई इस गली में, कोई उस गली में, कुछ कितने लोगों पर नजर नहीं आता किस गली में घुसे, कहां से जान बचा, वो होगा जेल जाएंगी, एफआईआर होगा, केस होगा, मुकदमा होगा, घंटा बना करके लोग अटैक करते हैं, झुंड बना करके, ग्रुप बना करके, लेकिन गीदड़ों का झुंड शेर के आगे क्या करेगा। अपने उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का कानून है, बहुत सख्त कानून है, ये पैसों पे नहीं बिकता है, ना यहाँ सोर्स जुगाड़ चलता है, जो गलत वो गलत, जो सही वो सही। तो दोस्तों, गोरखपुरिया भावजी को लेकर के इतना ज़्यादा उनका विरोध किया जा रहा है, इतना ज़्यादा उनका विरोध, हर बतिया में विरोध, अगर रोड पे चल रही चप्पल टूट गया तो उस पर ही ब्लॉग बन जाएगा कि गोरखपुरिया भावजी का टूट गया चप्पल, गोरखपुरिया भावजी ने कौन से ब्रांड का चप्पल लिया था, गोरखपुरिया भावजी ने घटिया चप्पल खरीदा था, क्या बताएं आप लोग, मतलब गोरखपुरिया भावजी छड़ चोरी हो गया, अब रात में बरसात हो गई। तो दोस्तों देखिए, सब लोग उनके नाम पर वीडियो बना रहे हैं, कोई विरोध करके वीडियो बना रहा है, कोई सपोर्ट करके वीडियो बना रहा है, लेकिन इतना उनका विरोध हो रहा है, इतना उनका विरोध हो रहा है, हम तो कहते हैं हमारी बात का आप लोग जवाब दे दीजिए, हम मान जाएंगे, इतना उनका विरोध हो रहा है दोस्तों, इतना उनके ऊपर केस हो रहा है, इतना उनके दुश्मन जलने वाले हैं कि झुंड बना करके लोग अटैक करते हैं, झुंड बना करके, ग्रुप बना करके, लेकिन गीदड़ों का झुंड शेर के आगे क्या करेगा। क्यों उनको, ना तो उनके ऊपर कोई पुलिस पकड़ती है, ना तो उनको जेल होती है, ना तो कोई समझ में नहीं आता, हल्ला इतना होता है, हम भी देखना चाहते हैं कि एक बार उनको पुलिस पकड़ के ले जाए और एक बार वो जेल में बंद हो तो उनका चेहरा कैसा नजर आएगा, लेकिन क्या करें, हमारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है, ये होगा वो होगा, जेल जाएंगी, एफआईआर होगा, केस होगा, मुकदमा होगा, घंटा होगा, घंटा हिलाओ सब लोग, बस कहते हैं जो कुत्ते होते हैं ना, हाथी जाती है, भूखते रहते हैं बस, और एक बार पुक 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 करते रहेंगे, और जब एक के बार घूमेगी तो कोई इस गली में, कोई उस गली में, कोई इस गली में, कोई उस गली में, कुछ कितने लोगों पर नजर नहीं आता किस गली में घुसे, कहां से जान बचाएं, वही हाल हो गया। अरे माफ करा, आप ऐसा नहीं करो, आप ऐसा ना करिए, उसके बाद उनको गालियां देंगे, उनका वीडियो उठा के अपने चैनल पर डालेंगे और गंदी गंदी गालियां देंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, वो वार्निंग देंगी, बेटा सुधर जाओ, नहीं सुधरे कमेंट करेंगी, भैया सुधर जाओ, नहीं सुधरे, उसके बाद जब हार मान जाएंगी तो बोलेंगी कि अब की स्ट्राइक मारेंगे, मारो स्ट्राइक मारो, देखते हैं कैसे मारती हो, और जब मार देंगी फिर वीडियो गोरखपुरिया भौजी चैनल खाती है, स्ट्राइक मारती है, जीने नहीं देती है, पैसा देके मरवाती है, गरीब को जीने नहीं देती, वो तो खुल के कहती थी कि तुम मुझे गाली दो हम तुमको स्ट्राइक मारेंगे, और खुल के कहती हाँ मैंने मारा है, तू जो करना है कर लो, सीना ठोक के बोलती है, पीठ पीछे से वार नहीं ना करती है, सामने इसीलिए उसका नाम शेरनी है। आप लोग कहते हो किस बात की शेरनी, क्यों शेरनी, शेरनी इसीलिए शेरनी है कि वो सामने से अटैक करती है, छुप के नहीं अटैक करती है। अरे तो और जितना बार समझाते भी हैं, जितना कहती है उतना ही करती है, उससे ज्यादा भी नहीं करती है। अब कुछ लोगों को मिर्ची लग रही होगी मालती चौहान के मैटर में, पुरानी बातों को उभारना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के आंखों की पट्टी, और जो अंधभक्त कहते हैं ना, दूसरे को अंधभक्त कहते हैं, लेकिन उनके आंखों पे खुद पट्टी बंधी हुई है, और वो भी कहीं ना कहीं मन में पछताते होंगे यार हम कौन सी पार्टी ज्वाइन कर लिए, और ज्वाइन करके इतनी गलती कर दी कि उस पार्टी में हम घुसे कैसे। तो जिन लोगों की आंखों पे ये बताइए, नौ धाराएं लगी थी, नौ धाराओं से वो बरी हो गई, एक घंटा वो जेल में नहीं गई, एक क्षण के लिए वो जेल में नहीं गई, पुलिस थाने, जिस पुलिस थाने में गई आप लोगों को नहीं पता होगा, बैठा के उनको चाय पानी तक पिलाया गया, और दरोगा ने वहाँ के खुद पैसा दिया चाय पानी का, और बड़े बड़े इज्जत के साथ इनको विदा कर दिया। दोस्तों जैसे ना अपने मोदी जी को सब बच्चे, इतने छोटे बच्चे को अगर पूछेंगे कि मोदी कौन है तो बोल देते हैं कि किसको वोट दोगे, छोटे बच्चे से तो बोलते हैं कि मोदी सरकार को, वैसे गोरखपुरिया भौजी का अगर कहीं पूछ लीजिए कि गोरखपुरिया भौजी कौन है तो छोटे एक डेढ़ साल के बच्चे बता देते हैं। आज कोई यूट्यूबर बनना चाहता है ना, आज कोई यूट्यूबर बनता है छोटी छोटी बच्चियाँ, तो उनसे पूछे कैसा बनना चाहती हो, गोरखपुरिया भौजी जैसा, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। तो देखिए गोरखपुरिया भाऊजी ऐसा जो कहते हैं लोग माला जपते हैं, नहीं गोरखपुरिया भाऊजी का माला हम लोग नहीं जपते हैं, आप लोग किसी के नाम का माला जपते होंगे, हम लोगों के दिल में राज करती हैं, और किसी के दिल में जगह बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, उतना कर्म करना पड़ता है किसी के दिल में जगह बनाने के लिए। और रही बात दुश्मनी की, उनकी दुश्मनी खाली
चंद यूट्यूबरों से है, यही 10-5 छोटे बड़े लोग हैं, बस इन्हीं से है। अदरवाइज आप पब्लिक से पूछिए कि उनके दिल में किसके लिए ज़्यादा जगह है, पब्लिक से आप पूछिए, जो पब्लिक हमारा वीडियो देखती है, जो हमारे और आपके सब्सक्राइबर हैं, उनसे पूछिए, उनसे राय लीजिए। अगर नहीं आपको यकीन होता है तो एक कम्युनिटी पोस्ट बनाइए, कम्युनिटी अपने चैनल पर आप लोग मरवाइए कि गौरवपुरिया भौजी, अदरवाइज जिसके भी 2-4 यूट्यूबरों के आपको नाम लेने, नाम लीजिए, इनमें से आप किसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, वोटिंग का परसेंटेज आपको आ जाएगा, खुद का खुद रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ऐसा आप लोग जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप लोग मजबूर हैं बोलने के लिए। प्रूफ कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है भैया। अगर इतना बड़ा बड़ा प्रूफ है तो कानून किस लिए बना है? हम और आप चिल्ला के किसी को इंसाफ दिला पाएंगे कि हम और आप चिल्ला कर किसी को सजा दिला पाएंगे? नहीं, हम लोग खाली व्यूज़ कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, डॉलर कमाएंगे, और बहुत करेंगे कि यहाँ की बातों को वहाँ पहुँचाएंगे, इज्जत नहीं कमाएंगे। और जो लोग कहते हैं कि मतलब इनके ऊपर वीडियो बनता है, उनके ऊपर वीडियो बनता है, अपना कॉन्टेंट, तो कौन है भैया मिडिल क्लास का यूट्यूबर, जरा एक मेरे सामने खड़ा हो जाए और जो बोले कि मैं अपना खुद का पर्सनल ब्लॉग बनाता हूँ। मिलियन वाले को छोड़ के मैं छोटे मिडिल क्लास के यूट्यूबर की मैं बात कर रहा हूँ, 1-2-4 यूट्यूबर हमको खड़ा करके दिखा दीजिए कि जो जिसके चैनल पर गोरखपुरिया भौजी का या चंदा भाभी का या किसी अन्य ब्लॉगर का या मालती चौहान का या विष्णु राज चौहान का जिस या अमरनाथ का या प्रीति का किसी का भी एक यूट्यूबर ऐसा खड़ा कर देना, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, मैं दावा कर रहा हूँ, एक चैनल मुझे ऐसा दिखाना कि जिसके चैनल पर किसी यूट्यूबर का वीडियो या किसी यूट्यूबर के बारे में बोला ना गया हो और किसी यूट्यूबर को लेकर के वीडियो ना बनाया गया हो। लेकिन प्रीति सूरज या अमरनाथ, मैं मिडिल क्लास, छोटे मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, मैं छोटे की नहीं, बड़े की नहीं, मिडिल क्लास जो आज संघर्ष कर रहे हैं अपने चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए या जिनका चैनल मोनेटाइज हो गया उनका, मिलियन वालों की बात छोड़िए, मिलियन वाले तो कुछ भी डालेंगे चलेगा, और जो छोटे स्टार्टिंग वाले यूट्यूबर होते हैं उनको तो पता ही नहीं होता है कि हमको काम कैसे करना है। तो ये सब अनर्गल बातें हैं, और ब्लॉगिंग का मतलब भी यही होता है कि हम लोग दूसरे की बातों को अपने यूट्यूब की लाइन में क्या घट रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या घटनाएं घट रही, उनको हम लोग पेश करते हैं, लेकिन पेश करने का तरीका क्या है ये देखा जाता है, बात करने का तरीका क्या है ये देखा जाता है, ठीक है। वीडियो बहुत से लोग बनाते हैं, बातें बहुत से लोग करते हैं, लेकिन व्यूज बहुत कम लोगों के आते हैं। बड़े लोग को दिक्कत नहीं है, बस जो छोटे जो बीच वाले हैं उनको ज्यादा दिक्कत है। वही तो बोले सूरज प्रीति को नहीं दिक्कत है, अमरनाथ को दिक्कत नहीं है, महादेव को नहीं, किसी को नहीं दिक्कत है। जिसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाते हैं ना उनको नहीं दिक्कत है, कुछ नहीं उनको नहीं दिक्कत। अदर लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत होती है, तो जिसको दिक्कत होती रहे उनको दिक्कत होती रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो बोलना है बोले, जो करना है करे, अपने को क्या करना है। गोरखपुरिया भौजी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहे। और कोई भी जाता है तो भाड़ा भी देती हैं और गाड़ी से पहुंचाती भी हैं, उनको साधन पे बैठा देंगे, पहुंचा देंगे, बताइए उतना मदद करती हैं, तो भी उनको लोग बुराई करते हैं, सबका भला कर क्या लोग। तो चलिए दोस्तों, मिर्ची बहुत लगती है लोगों को आजकल, इसलिए मिर्ची खाना बंद कर दी है, नीनाव हो गया था हमारे, छाला पड़ गया था मुँह में। बाय बाय, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।